हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस एलटी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, यह सीरीज नंबर 96 है एंड दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा एंड दोस्तों इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज दिए जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, तो किसने की गुरुत्वाकर्षण खोज नियम की खोज, तो न्यूटन ने। दोस्तों इसकी खोज न्यूटन के द्वारा की गई। इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है, तो कौन सी संस्था है, ऑफर्ड AAHPERD ऑफर्ड यानी अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका नाम बदला गया है 5 दिसंबर 2013 को इसका ऑफर्ड का नाम बदल करके सेफ अमेरिका कर दिया गया है। ठीक है, इसको विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा कि ऑफर्ड का अब नाम बदल कर क्या हो गया है, सेफ अमेरिका, यानी 5 दिसंबर 2013 को बदला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का युग है, तो वैदिक काल का युग कौन सा है, 2000 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना जाता है, तो कौन सा काल माना जाता है, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और इस काल में रामायण महाभारत उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। नेक्स्ट है, भगवान जीएस का संबंध है, तो भगवान जीएस का संबंध किससे है, ओलंपिक खेल से। ठीक है, इसी के सम्मान में ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता था, प्राचीन ओलंपिक खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन हेनलिक उत्सव संबंधित है, तो पैन हेनलिक उत्सव किससे संबंधित है, एथेन से। जैसा कि दोस्तों एथेन में पहले राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे अखिल यवन या पैन हेनलिक समारोह कहा जाता था। इसके अंतर्गत 4 खेल उत्सव होता था, ओलंपिक, पीथियन, थिमियन, नेमियन खेल। ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में अगस्त माह में 5 दिनों तक होता था और प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर, और इसका आयोजन ओलंपस पर्वत पर होता था, पर्वत के मैदान पर होता था, और जीएस देवता के यानी जीएस देवता को आकाश देवता कहा जाता था, जीएस देवता यानी आकाश देवता के सम्मान में यानी श्रद्धांजलि देने के लिए होता था। दूसरा होता था पीथियन, पीथियन इसका मुख्य आकर्षण रथ और घुड़दौड़ हुआ करता था। ओलंपिक आयोजन के बीच 3रे वर्ष में यह आयोजन होता था, यह डेल्फी पर्वत के मैदान पर होता था और किस देवता के सम्मान में, अपोलो यानी सूर्य देवता की श्रद्धांजलि में होता था। तीसरा है इस्थीमियन, इस प्रमुख खेल नौकायन, सैन्य अभ्यास, संगीत व खेल हुआ करता था, यह ओलंपिक के बीच 2रे वर्ष में आयोजित होता था। एंड दोस्तों यह कोरिंथ नामक स्थान पर होता था और यह किसके देवता के सम्मान में होता था, समुद्र देवता जिसे पोसिडियन कहा जाता था। एंड चौथा है निमियन, यह 2 वर्षों के अंतराल पर होता था, आर्गेलिज नामक स्थान पर होता था, यह जीएस देवता के सम्मान में होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल एज का संबंध है, तो क्लासिकल एज का किससे संबंध है, स्पार्टा से। स्पार्टा काल को क्लासिकल एज कहा जाता था और उसमें स्पार्टा काल में क्या हुआ, नगर और राज्यों का उदय हुआ और स्पार्टा काल का मुख्य लक्ष्य था सैनिक, एक अच्छी सैनिक तैयार करना यानी एक अच्छा फौज तैयार करना। और दोस्तों स्पार्टा काल की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगाक कहा जाता था और उसके कर्ता धर्ता को, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को फेडोनोमस कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सैनिक जीवन प्रभावित था, प्रचलित था, सैनिक जीवन कहाँ पे प्रचलित था, स्पार्टा में। क्योंकि दोस्तों स्पार्टा में क्या होता था कि यहाँ पे जो अस्वस्थ अपंग दुर्बल बच्चे जन्म लेते थे उसको टाइगर्स पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। ठीक है, और यहाँ के यवन वंशजों को नगर सैनिक बोला जाता था। और यहाँ पे दोस्तों एक सैनिक नृत्य होता था जिसे पापीहिक नृत्य बोला जाता था स्पार्टा काल में। यहाँ पे धार्मिक नृत्य होता था जिसको हारिमस और कैस आर्टिस बोला जाता था। और स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस नृत्य बोला जाता था।
ठीक है। और वहां के खेल के मैदान मैदान को स्पार्टा काल में क्या होता था, खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ भी दो सभाएं हुआ करती थी स्पार्टा काल में राज्य की सहायता के लिए। कौन कौन सी सभाएं हुआ करती थी? ब्यूल और एगोटा। ब्यूल सामंतों की सभा हुआ करती थी और एगोटा स्वतंत्र नागरिकों की सभा हुआ करती थी। और यहाँ की शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन आप सबको पता है, अमरावती महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। इसकी स्थापना 1914 में किया गया था, ठीक है। दो वैद्य भाइयों अनंत कृष्ण वैद्य और अंबादास कृष्ण वैद्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सब परसोना का। परसोना शब्द का लैटिन भाषा में लिया गया है, जिसका मूल रूप से अर्थ है मुखौटा, नाटकीय मुखौटे से लिया गया है इसका अर्थ। यानी अंग्रेजी भाषा में इसका उपयोग वह छवि या व्यक्तित्व है जो एक व्यक्ति अन्य के समक्ष प्रस्तुत करता है के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमिक शब्द का संबंध है किसे संबंध है? दोस्तों ध्यान पूर्वक आंसर दीजिएगा, जैसे कि मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उस पर पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। एक एक टॉपिक पर यदि आप स्पोर्ट ट्रेनिंग के सभी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो स्पोर्ट ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज वॉच कर सकते हैं और स्पोर्ट ट्रेनिंग से कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा, ऐसे मैंने बताया है। जैसे कि दोस्तों स्ट्रेंथ डेवलप करने की कितनी विधियां हैं? स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक दो विधियां हैं, ठीक है। तो स्टैटिक डायनेमिक किसके अंतर्गत आता है? स्ट्रेंथ यानी बल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। डायनेमिक स्ट्रेंथ में आपका आता है आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक, ठीक है। और स्टैटिक में जो स्थिर होता है उसमें आइसोमेट्रिक होता है, ठीक है। तो आइसोटोनिक भी तीन प्रकार का होता है दोस्तों, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी अधिकतम अधिकतम ताकत, यानी कि दूसरा विस्फोटक ताकत, तीसरा शक्ति सहनशीलता, ठीक है। अधिकतम ताकत यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, विस्फोटक ताकत यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड शक्ति सहनशीलता यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, डायनेमिक शक्ति तीन प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के विकास की विधियां हैं, गति के विकास की कितनी विधियां हैं? दोस्तों दो विधियां हैं, त्वरण दौड़ और पेस रेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। जैसे कि दोस्तों त्वरण दौड़े जो होती हैं यानी एक्सीलरेशन रेस जो होता है, इसे छोटी दौड़ों में जो आरंभ किया जाता है उस समय 5 से 6 सेकेंड तक अधिकतम ताकत अधिकतम गति से दौड़ा जाता है, इसमें त्वरण योग्यता की वृद्धि की जाती है। एंड पेस दौड़ों में क्या होता है कि एथलीट अधिकतम गति को अधिकतम समय तक बनाए रखता है, ठीक है। अधिकतम समय गति को अधिकतम समय तक बनाए रखता है, वो आपका होता है पेस रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो कब शुरू किया? 1960 में, ठीक है। रोम इटली में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद कौल कपूर कमेटी का गठन किया गया, जिसे वर्ष 1961 में अपनी संस्तुतियां दी, ठीक है। जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को स्कूलों व कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के भाग तथा विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? तो कौन सी खेलने की सतह नहीं है दोस्तों? यहाँ पे पेलीग्राम, यहाँ पे पेलीग्रास, एस्ट्रोटर्फ, टेराफ्लेक्स, ये तीनों खेलने की सतह है, बट यहाँ पे साइपेक्स जो है वो खेलने का सतह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? तो कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय होता है वर्षों, महीनों और दिनों में उम्र की जो अभिव्यक्ति होती है वही आपका कालक्रम वायु या क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। कालक्रम आयु को कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के, जैसे कि दोस्तों
आयु ज्ञात करने की चार विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं कालक्रम आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसमें जन्म से लेकर वर्षों महीनों और दिनों में मापा जाता है। एन दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज यानी शरीर रचना आयु, ठीक है, जो हमारे ऑसिफिकेशन ऑफ बोन यानी कि हमारे कंकाल तंत्र अस्थियों की परिपक्वता पर आधारित होता है, यानी अंगों के पूर्व विकास से आयु का पता लगाया जाता है, जैसे कि हमारे दांतों की गणना करके स्केपुला अस्थि के आधार पर। दोस्तों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बात यह है कि एज की गणना के लिए दाहिने हाथ की जो रेडियल बोन होती है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसे हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है, जैसे कि रेडियल बोन को एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। एंड दोस्तों तीसरा होता है शारीरिक दैहिक आयु यानी शारीरिक क्रियात्मक आयु, जिसे फिजियोलॉजिकल एज कहा जाता है। इससे हम क्या होता है, जो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जैसे कि लड़कियों में मासिक धर्म यानी मास्टुरेशन पीरियड एंड लड़कों में जैसे कि दाढ़ी मूछ आना, इन सब प्रकार के जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उसके कारण जो चेंज होता है उससे हमारी फिजियोलॉजिकल एज यानी शारीरिक क्रियात्मक आयु पता लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट होता है मानसिक आयु, मेंटल एज में क्या होता है कि इसमें मानसिक परीक्षण करके पता लगाया जाता है। इसमें हम बालकों से उसकी आयु के अनुसार कार्यों की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। और मेंटल एज ज्ञात करने का सूत्र है बुद्धि लब्धि, आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु अपान कालक्रमिक आयु गुणे सौ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है, तो व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी क्या है? कालक्रमिक आयु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था प्लेस्ट्रा? एक कुश्ती के स्कूल के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है, कुश्ती के स्कूल के रूप में प्लेस्ट्रा प्रसिद्ध था, ठीक है, किसके रूप में? एक व्यायामशाला था जो कुश्ती मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक आदि उसमें कराया जाता था, उसको प्लेस्ट्रा बोला जाता था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सही मिलान करना है, जैसे कि ए है राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन क्या है? एक प्रतियोगिता है, तो ए का थ्री हो जाएगा। एंड बी है काइफोसिस, काइफोसिस क्या है? एक आसन है जिसे कुबड़ा बोला जाता है, बी का वन हो जाएगा। एंड परकुजन, परकुजन क्या है? एक मालिश का प्रकार है, तो सी का फोर हो जाएगा। स्टर्नम, स्टर्नम क्या है? हमारा हड्डी है, ठीक है, जो हमारी पसलियां जुड़ी होती है, तो ये डी का टू हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप इसको एक से दो बार जरूर देख लीजिए, एक बार में समझ नहीं आया होगा तो। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आपके तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।